मैं प्रवक्ता पारस मल, टेक्सटाइल डिज़ाइन। आपको स्ट्रक्चर फैब्रिक डिज़ाइन में आप आगे का टॉपिक बढ़ाऊँगा, शेडेड ट्विल वीव। शेडेड ट्विल वीव को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिंगल शेडेड ट्विल वीव एंड डबल शेडेड ट्विल वीव। शेडेड ट्विल वीव में क्या है कि ये कपड़े के ऊपर शेड इफेक्ट बनाती है, और जैसे इट इज़ फॉर्म शेड इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, द शेड इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन सम थिक टू थिन ट्विल वीव एंड थिन टू थिक ट्विल वीव कॉम्बिनेशन। और ये जो डिज़ाइन है शेडेड ट्विल वीव, मोस्टली यूज्ड जैकार्ड वीविंग फॉर लार्ज पैटर्न फैब्रिक, और इसमें सामान्यतः अपन स्ट्रेट ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं। पहला ले रहे अपन सिंगल शेडेड ट्विल वीव। शेडिंग इफेक्ट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम डीप टू लाइट, एंड दिस इफेक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेगुलर मल्टीपल ट्विल वीव। फॉर एग्जाम्पल, अपन को चलना है थिक टू थिन की ओर, तो अपन वीव का चयन किया पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन थिन टू थिक वीव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड वीव जैसे अपन चयन करते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया थिक से थिन की ओर। अब जाना है अपने को थिन से थिक की ओर, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे अपन कई एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाता हूँ। तो अपन ने इसमें वीव जो ली है वो है थिक से थिन की ओर, 4, 3, 2, 1 एंड 1, 2, 3, 4। तो इसमें अपन ने EPI और PPI को काउंट किया। EPI होते हैं 10/10, तो वीव का रिपीट साइज हो गया 20x20। फिर अपन ने एक ग्राफ पेपर लिया, उसके ऊपर 20x20 की मार्किंग की, जैसे मैंने इसमें ऐसे ये की है। फिर अपन इसको बढ़ना है वार्फ फेस में। किस में बढ़ना है? वार्फ फेस में। वार्फ फेस में पहले बढ़ना है 4 up 1 down, तो ये बढ़ लिया अपन ने 1, 2, 3, 4, 1 down, ये 1 down, 3 up 1, 2, 3, फिर 2 down, 1, 2 down, फिर 2 up, ये 2 up, 3 down, 1, 2, ये 3 down हो गया, फिर 1 up, 4 down, 1, 2, 3 and 4। तो ये एक एंड पूरा हुआ, फिर दूसरे एंड में बढ़ना चालू किया, ये दूसरा एंड। तो फिर अपन इस पॉइंट इसको ऊपर खिसका के यहाँ से चालू किए, 4 up 1 down, 3 up 2 down, 2 up 3 down, 1 up 4 down, 1, 2, 3 and 4। फिर इस वाले एंड में बढ़ना चालू किया, इसको यहाँ से चालू किया अपन ने, तो ये इस तरफ अपन बढ़ते जा रहे हैं रेगुलर, ये बढ़ लिया। फिर अपन इस एंड को ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपन क्रम से इसको इस तरफ से वर्टिकल दिशा में बढ़ते हुए इसको रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप इसमें मैं आपको पॉइंट के द्वारा समझा रहा हूँ। इस दिशा से अपन इसको बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए, आगे ऐसे इसको रेगुलर अपन इसको बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे भैया ऐसे बढ़ते जा रहे हैं अपन, ऐसे तो अपन इसको क्रम से इसको बढ़ते जा रहे हैं। इस यहाँ से चल, इस पॉइंट को अपने इस वीव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप इस वीव को छोड़ते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपन इसको रेगुलर इसमें ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे इसी से अपन वर्टिकली बढ़ते जाएंगे, डिजाइन अपना आप शिफ्ट होता चला जाएगा, उसमें एरर होगी तो अपने को पता चल जाता है। इसलिए अपन ये सिंगल शेड इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हुआ। अब अपन पढ़ते हैं इसमें डबल शेडेड ट्विल वीव। तो डबल शेडेड ट्विल वीव में क्या है, इसमें होता है शेडिंग इफेक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम लाइट टू डीप, एंड अगेन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम डीप टू लाइट। और इसमें क्या है, अपने को दीज इफेक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेगुलर मल्टीपल ट्विल वीव। जिस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं
पहले अपन वीव में जा रहे हैं 1 2 3 4, ध्यान अपने को डिक्रीज करना है यहाँ से 3 2 1, और ये ले लिया यहाँ, ये 4 तक लिया तो इसको यहाँ से उल्टा चालू किया 4 3 2 1, और ये 2 तक है 2 3 4, ये एग्जांपल। फिर दूसरा एग्जांपल हो गया 1 2 3 एंड फिर 3 से नीचे 3 2, तो ये 3 तक लिया 3 2 1, 2 तक लिया 2 एंड 3, ऐसे अपन कई तरह के इसमें डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन इसमें डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए अपने पास में ये अपन ने डबल शेडेड ट्विल का डिज़ाइन लिया, वी अपन ने सेलेक्ट किया 1 2 3 3 2, यहाँ से अपन वापस ले रहे हैं 3 2 1 एंड 2 एंड 3। तो इसमें अपना रिपीट साइज, इनमें अपन EPI PPI निकाले, EPI भी 11 और PPI भी 11 है। तो इसमें डबल शेडेड ट्विल वी में EPI और PPI 11 और 11 है, तो रिपीट साइज बन गया 22 × 22। फिर अपन इसको बढ़ने आए बार फेस में, क्या बढ़ना है 1 up 3 down, तो ये हो गया 1 up 1 2 3 down, फिर 2 up 2 down, 3 up 1 down, 3 up 2 down, 2 up 3 down, 1 2 and 3। तो अपन इसमें प्रत्येक एंड में वर्टिकल दिशा में आगे बढ़ते हुए इसको बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऐसे में भर रहा हूँ इसको, ये फिलअप किया मैंने, ये ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, इस पॉइंट के अपन ऊपर की तरफ वर्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से रिपीट इसका बनता जा रहा है। तो ये रिपीट मेरा बन के पूरा हो गया। इसमें इस डायगनल व्यू के दोनों तरफ ये एंड ये, दिस एंड दिस, ये डबल इफेक्ट इसमें आ रहा है। एक लाइन है इसके दोनों तरफ बराबर में सेम डिज़ाइन आ रही है, तो इसे ये डबल शेडेड इफेक्ट डिज़ाइन कहलाती है। थैंक यू।